ओम शांति। वाह, आज तो महा उत्सव का महापर्व है कि शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति फिर है जगाई। किसने जगाई? जागती ज्योत परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जगाई। तो आज तो बड़ा खुशी का दिन है, आज बड़े हर्ष और उल्लास का पर्व है। आज तो सारा दिन रूहानी नशे में रहने का दिन है। शिव पिता की जन्म जयंती है, अवतरण जयंती है, इसलिए आप सर्व को सर्वप्रथम 87वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मीठे बच्चे, तुम्हें खीर खंड होकर रहना है, तो मतभेद में नहीं आना है, और कोई भी गंदी आदत है तो उसे छोड़ देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न है आज का, जन्म जन्मांतर के लिए, ऊंच पद पाने के लिए कौन सा रहम स्वयं पर जरूर करना है? उत्तर है, स्वयं की अंदर से जांच करके जो भी बुरी आदतें हैं। कौन सी बुरी आदत? जैसे क्रोध आ जाता है, क्रोध कर लेते, क्रोध में गालियां तक निकल जाती, तो क्रोध ये विकार है, तो उन्हें निकाल देना, खीर खंड होकर रहना, एक की श्री मत पर चलना, मत भेद में न आना, कोई भी इविल बातें न सुनना और ना ही सुनाना, यही अपने ऊपर रहम करना है। और इसमें ही जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद मिल जाता है। जो अपने ऊपर रहम नहीं करते, वो 21 जन्मों के सुख को लकीर लगा देते हैं। गीत बजा है, ओम नमः शिवाय, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर 1, ज्ञान और योग, ये दोनों सीख कर भक्त से ज्ञानी तू आत्मा बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया को जीतना है, पवित्र जरूर बनना है। नंबर 2 है, ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत बहुत मीठा और निरहंकारी बनना है, इविल बातें नहीं बोलनी है, मतभेद में भी नहीं आना है। वरदान सतगुरु शिव बाबा का समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर एवर रेडी भव। बाबा कहते हैं कि एवर रेडी उसको कहा जाता है जो समेटने की शक्ति द्वारा देह और देह के संबंध, देह के पदार्थ, संस्कार सब का पेटी बिस्तरा बंद करके तैयार हो। इसलिए चित्रों में भी समेटने की शक्ति को पेटी बिस्तरा पैक किया हुआ दिखाते हैं। संकल्प में भी न आए कि अभी ये करना है, ये बनना है, अभी ये बात रह गई है, ये पदार्थ लेना तो रह गया है,
सेकंड में तैयार, समय का बुलावा हुआ और एवर रेडी। कोई भी संबंध व पदार्थ याद न आए। स्लोगन है, परमात्मा के गुण और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।